नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी शॉल और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। राज्य समेत सहकारी विकास परियोजना में अनुदान को बढ़ाने की मांग। मंत्री यशपाल आर्य द्वारा बाजपुर विधानसभा और काशीपुर को मिलेगी सड़कों की सौगात। 8 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी सड़कें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट पहुंचे मंगलौर। विधायक काजी निजामुद्दीन से की मुलाकात। काजी निजामुद्दीन की माता का पिछले दिनों हो गया था निधन। उत्तराखंड के पर्वतीय मार्गों पर शुरू हुआ बसों का संचालन। यात्रियों को मिली राहत। मई के प्रथम सप्ताह में बसों का संचालन कर दिया गया था बंद। ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में कम हो रहा संक्रमण। राजकीय चिकित्सालय में 6 व्यक्तियों में संक्रमण की हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेत सहकारी विकास परियोजना में अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 10,000 जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की सड़कों की सौगात दी। मंत्री ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। क्षेत्र में लिंक मार्गों को शहर तक जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण शुरू करवाया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन भी वितरित किया। यशपाल आर्य ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे किसी को भी आवाजाही में परेशानी ना हो। देखिए, आज कुंडेश्वरी क्षेत्र में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल ब्लॉक में, गढ़वाल ब्लॉक, कुमाऊं ब्लॉक और अन्य क्षेत्रों में लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगें भी आई हैं, उनका भी समय बद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। डोईवाला के बुलावाला गांव में ग्रामीणों को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड की सरकार की ओर से दी जा रही इम्यून बूस्टर आयुष रक्षा किट का वितरण कर ग्रामीणों से अपील की कि सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद करना चाहूंगा जितने नेगी जी का, जिन्होंने सरकार के द्वारा लाई हुई किट यहाँ पर वितरित की, जबकि ये कार्य क्षेत्रीय विधायक जी को करना चाहिए था। क्षेत्रीय विधायक नाम यहाँ पर आके कोविड में हमारे बीच में आते तो अच्छा लगता, लेकिन जितने नेगी जी ने वो बीड़ा उठाया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने ये आयुष रक्षा किट जन सामान्य तक, विशेष करके जो कोविड अफेक्टेड मुकाबला करने के लिए, तो हम इन किटों को जन सामान्य को वितरित कर रहे हैं ताकि इनसे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसको कोरोना छुए तक नहीं, इसलिए इन किटों का वितरण कराया जा रहा है। तो हमारा लगभग डोईवाला विधानसभा में हम 4,000
रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हुए जनपद प्रभारी मंत्री राजमंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सड़क पेयजल व विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अधिकतम 2 घंटे के भीतर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बारिश से ज्यादा नुकसान होता है वहां समय रहते राशन पहुंचा दिया जाए। इसके साथ ही स्लाइड जोन वाले स्थानों में जेसीबी मशीन तैनात की जाए और समय रहते मार्गों को भी खोला जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से रुद्रप्रयाग जनपद अत्यधिक संवेदनशील है। यहाँ मानसून सीजन में आपदाएं आती रहती हैं। इन आपदाओं से निपटने के लिए अधिकारी पूरी तैयारियों में जुटे रहें। तीन बातें यहाँ पे करने की है, एक तो पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं और पीएम विश्वाय की और जिला प्लान 25 जेसीबी लगाने का मैंने आज आदेश दिया है कि पूरे रुद्रप्रयाग जिले में आज से लेके और सितंबर माह रोडों के मार्ग कहीं भी अगर अवरुद्ध होते हैं तो उनको जल्दी जो है 4-4 घंटे के लिए 2 घंटे में उनको खोला जाए और प्रत्येक जेसीबी का एक एरिया तय कर दिया है कि वो कितने किलोमीटर तक को जेसीबी रखे। आप जानते हैं जनपद रुद्रप्रयाग आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे आपदा की संभावना भी अतिरिक्त रहती हैं और अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हायर जोन में आता है। तो इस क्रम में लगातार हम लोग आपदा की तैयारियों के लिए समीक्षा करते रहते हैं। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा भी इसी क्रम में यहाँ पर समीक्षा करी गई। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस प्रकार की समीक्षा करी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने कड़े तेवरों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अधिकारी अलर्ट हो जाएं। यदि किसी भी क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। यशपाल आर ने कहा कि कई मामले उनके भी संज्ञान में आए हैं जिस पर कार्रवाई कराई भी गई है। बावजूद इसके यदि कच्ची शराब का कारोबार नहीं रुकता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है और हमने जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायतें आई हैं हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सुबह की माली हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से GST मुआवजा 5 साल और बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही GST कंपनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। GST कंपनसेशन को 5 साल और बढ़ाने की मांग की है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी से मुलाकात की है कल और उनसे आग्रह किया है कि 2027 तक उत्तराखंड राज्य को GST में जो रिबेट है, छूट है, उसको देने की बात कही है और 2022 में मियाद जो है उत्तराखंड राज्य की समाप्त हो रही है। निश्चित रूप से जो हमारा नवोदित स्टेट है उसके राजस्व पर गलत असर न पड़े और आर्थिक स्थिति सही रहे, इस सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की है। हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र इस पर जरूर उत्तराखंड राज्य को छूट देगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार नहीं पड़ेगी, हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से
आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण अब रफ्तार पकड़ने लगा है, लेकिन कोरोना टेस्टिंग एक बार फिर पिछड़ने लगा है। खास तौर पर बलावली और बढ़ियावाला बॉर्डर पर कई दिनों से कोरोना टेस्टिंग का काम ठप पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नदारद है। यूपी व अन्य प्रदेशों से आने वालों का सिलसिला जारी है। हर रोज भारी तादाद में बाहरी लोग बॉर्डर से क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं। इस मामले पर ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार हैं। सर, ये PRDF जवानों द्वारा जो उत्तर प्रदेश से गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, उनको हम रोक रहे हैं और उनकी पूरी डिटेल नोट कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, नाम, पिताजी का नाम। टेस्टिंग को लेकर क्या सुविधा है सर? फिलहाल टेस्टिंग नहीं हो रही है। हमारे पास जो लैब है, टेम्परेरी लैब बना रखी है, उसमें फिलहाल मतलब टेस्टिंग नहीं हो रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो दूसरे प्रदेश से आने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं बॉर्डर पर, उनको लेकर के एक प्रावधान बनाया गया है कोविड की गाइडलाइन को लेकर के, क्योंकि जो दूसरे प्रदेश से आने वाले व्यक्ति हैं उनको बॉर्डर पर जो RT-PCR या एंटीजन जो रिपोर्ट होती है उसको टेस्ट कराना होता है, या फिर RT-PCR की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के आना होता है, तभी प्रदेश में जो है वो एंट्री मिल पाती है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगभग जो खानपुर यानी कि उत्तराखंड का जो खानपुर और बालावाली जो बॉर्डर है, वहाँ एंटीजन यानी कि कोरोना यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मौजूद नहीं है, जिससे जो RT-PCR रिपोर्ट है वो यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि जो यहाँ कर्मचारी मौजूद है यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं, और जिसके पास एंटीजन या RT-PCR रिपोर्ट है वो उसको प्रदेश में एंट्री की जा रही है, और जो जिसके पास नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल भी यहाँ से जो है कई गाड़ियाँ जो है वापस भेजी है, लेकिन यहाँ मौजूद हैं कर्मचारी और जो यहाँ PRDF के जो जवान हैं वो तैनात है, उनके द्वारा स्पष्ट कह देगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगभग पिछले 5 दिनों से यहाँ मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के RT-PCR जो रिपोर्ट है उसको टेस्टिंग करने में जो है समस्या आ रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, KNews इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। खबर लक्सर से है। कोरोना के टीकाकरण का ग्राफ बढ़ाने और डेंगू से बचाव के लिए अब शिक्षकों ने भी जनता को जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। लक्सर नगर और देहात में शिक्षकों की आधा दर्जन टीमें
डोर टू डोर जाकर लोगों को डेंगू के आने वाले खतरे से आगाह कर रही हैं। इसके साथ ही बचाव के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों के द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। समय कि कोरोना के जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, लोग लगवाने डर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, और फिर अब एक दूसरी महामारी जो डेंगू के रूप में आने वाली है उसके प्रति सचेत कर रहे हैं कि पानी अपने घर में जो स्वच्छ पानी उसे जमा ना होने दें और वैक्सीन से डरे नहीं। ये हमारा रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, ICU में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चली कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टीरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के एक सरकारी कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की शिरकत देखी गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानो धज्जियां ही उड़ गई। मंत्री जी के कार्यक्रम में राशन वितरण होना था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और प्रशासनिक मशीनरी ये तमाशा देखती रही। इससे पूर्व भी मंत्री जी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तब मंत्री आर ने इसके लिए खेद भी जताया था। वहीं एक बार फिर से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और कार्रवाई करने वाले हाथ बेबस नजर आए। जनता का जागरूक होना जनता का कर्तव्य है कि उन नियमों का पालन करा जाए। उसी प्रकार से शासन और प्रशासन का भी पूरी तरीके से कर्तव्य बनता है कि उसका पालन एक पूरी तरीके से निष्ठा के साथ जनता से करवाया जाए। और कहीं ना कहीं यदि ऐसा नहीं होता है तो जिस महामारी के दौर से, जितनी भयानक त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दोबारा उसकी ग्रस्त में जाना पड़ जाए। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के साथ के दबाव में आकर कार्य कर रहा है और जो कोरोना महामारी को है वो नज़रअंदाज कर रहा है, जिसका हर्जाना निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रोग्राम को पहले से पता था या उसकी अनुमति थी तो प्रशासन को एक गाइडलाइन के हिसाब से कम कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनाकर इस आयोजन को करना चाहिए था, जिससे कि उन्हें राशन की सुविधा भी मिल पाए और महामारी का कोई नुकसान भी ना हो। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बहुत सी आशा कार्यकर्ताओं की भी मौतें हुई। उन्हें श्रद्धांजलि और पीड़ित स्वजनों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर मृत आशा बहनों को श्रद्धांजलि देते हुए एक मिनट का मौन रखा। आशाएं जो ऐसी हैं कि जो 15 साल से लगातार काम कर रही हैं और जब से कोरोना काल चल रखा है कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रही हैं, और जबकि उनको मानदेय मिलना चाहिए था, उसका मुआवजा मिलना चाहिए था, घर में उनके भी बच्चे थे,
कितनी आशाएं ऐसी हैं, किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए इस बीच, किसी के कोई खुद आशा भी एक्सपायर हो गई है और उनके घर में कमाने वालों की बहुत कमी है। तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि उनकी गिनती करी गई हो, उनको मुआवजा दिया गया हो। और यहां वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यार राजू इतना क्यों खांस रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मैं से दवाई लूंगा। और राजू हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त के दुश्मन, बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे दो तीन दिन दवाई लूंगा और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं दो तीन दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जाँच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराए नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल में हर साल 15 जून को कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 1-2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन को मंदिर पहुंचते थे। लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा के दर्शन कर लौटना पड़ रहा है। 20 साल पहले ही 15 जून को बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया, तभी से हर साल यहां पर बाबा के भक्तों का मेला लगता है। बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों की संख्या ना सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है। इस बार भी विगत वर्ष की भांति बहुत सीमित संख्या में और सांकेतिक रूप में, ताकि यह परंपरा एक किस्म से बनी रहे और ऐसा तो नहीं कि उतने व्यस्त विस्तृत रूप में किया गया है, बहुत सांकेतिक तौर पर, ताकि जो एक परिपाटी है विगत वर्षों से चली आई वो बनी रहे। और बहुत क्या कहें आपसे, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसा रूप हो गया है इसका। सर बहुत आस्था है बाबा जी से और हम हर साल आते हैं 15 जून को, और इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए थोड़ा निराश तो हैं कि हम बाबा जी के दर्शन दूर से ही कर पा रहे हैं, वरना हमने सोचा था कि हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, थोड़ी देर मंदिर में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ आके काफ़ी शांति मिलती है और काफ़ी उम्मीद जागती है अंदर से, इसलिए मैं हर साल आता हूँ, इस बार भी इसीलिए आया हूँ। अब बाहरी से ही दर्शन करके हम वापस जाएंगे, क्योंकि कोविड नियमों का पालन होना भी बहुत जरूरी है। विगत मैं 20 साल से बाबा जी के धाम से जुड़ा हूँ और यहाँ पे आज तक ले कई भक्त लोग आए हैं, लेकिन कोविड को देखते हुए प्रशासन के भी एक मजबूरी है, उनको भी यहाँ पे रोकना है लोग दर्शकों, क्योंकि कोरोना काल अभी बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और मैं निश्चित तौर पर बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, इस देश प्रदेश से कोरोना महामारी खत्म हो और निश्चित तौर पर अगले आने वाले साल पे भक्तगण यहाँ से जितने भी देश और देशों से आते हैं वो सब भक्त यहाँ पर दर्शन करने। बेरीनाग नगर में स्थित पोस्ट ऑफिस में पिछले 50 दिनों से कोई भी काम नहीं होने से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा, एक और मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और यहां पर लोग डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं होने पर
उग्र आंदोलन के साथ आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस से डाक तक नहीं जा पा रही है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पर पोस्ट ऑफिस कार्य करने के लिए आ रहे लोगों को कार्य नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है पोस्टल डिपार्टमेंट, और आज बड़े दुख का विषय है कि 2 महीने से यहाँ पर कामकाज ठप पड़ा है। हमने उच्च अधिकारियों को भी सूचना इसकी दे दी है, इसके बावजूद भी आज तक 2 महीने में, एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और आज देखिए 2 महीने से लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अति शीघ्र अगर इसमें ये इसमें सुधार नहीं किया गया, काम नहीं हो पाया, तो हम यहीं पर अनशन करेंगे। रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बन्ना का मसूरी घूमते हुए एक पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर विधायक प्रदीप बन्ना खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मसूरी में तैनात पुलिसकर्मी और उनके कुछ साथियों की हरकतों से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने पूरे समय में मास्क पहना हुआ था और अपने परिवार के साथ वे घूमने निकले थे। पार्ट देखा है जो कि स्टोरी का अंत है, आप पूरी पिक्चर देखिए, पूरी कहानी उसमें देखिए क्या है, तब आप मेरे से बात करिए। सिर्फ एंड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया है, पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं, हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पर। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा, वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ, तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया, तो मेरा पुलिस से आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड वापस किया जाए। और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।